महाराष्ट्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पिछले 2 सालों से विभिन्न पॉलिसीज के तहत काम किया जा रहा है। हाल ही में शहर के टूर ऑपरेटर्स एवं नए इन्वेस्टर्स को नई श्रृंखला में जोड़ने और सहयोग करने के लिए टाई ग्रुप ने न्योता दिया है। राज्य में पिछले 2 सालों से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें एग्री टूरिज्म पॉलिसी, एडवेंचर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आदि का समावेश है, जिसे महाराष्ट्र टूरिज्म में नए नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए टूरिज्म पॉलिसी 2016, जिसके अंतर्गत कई इंसेंटिव्स इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। आज टाई ग्रुप की हुई मीटिंग में महाराष्ट्र टूरिज्म के उपसंचालक प्रशांत सावई ने नए इन्वेस्टर्स और उद्योजकों को इस क्षेत्र में आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र टूरिज्म के माध्यम से हम अलग अलग पॉलिसीज अभी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 सालों में सामने लाए हैं, जिसमें एग्री टूरिज्म पॉलिसी है, एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी है, फिर इंडस्ट्रियल स्टेटस पॉलिसी है, कैरावन टूरिज्म पॉलिसी है, बीच शैक पॉलिसीज है जो कोस्टल एरिया में अप्लीकेबल है। उसके अलावा नए नए इन्वेस्टर्स को इस फील्ड में महाराष्ट्र में अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज़म पॉलिसी 2016, जिसके अंतर्गत वेरियस बहुत सारे इंसेंटिव हम लोग देते हैं न्यू एंटरप्रेनर को, न्यू इन्वेस्टर्स को इस फील्ड में काम करने के लिए। तो मेरी इस माध्यम से, टाई का जो आज मीटिंग है, इस माध्यम से अब यहाँ के सभी जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो इन्वेस्टर इस फील्ड में, टूरिज्म में, महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको सभी से अपील है कि वो इस फील्ड में आए, महाराष्ट्र में आए और इन्वेस्ट करें। लोगों को अच्छी अच्छी जो रिसोर्ट्स है या टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने में हमारी मदद करें। थैंक यू। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।